हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, फैक्टराइज एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 7x² माइनस एक्स प्लस 6। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 4 है, दैट मीन्स इसका जो हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 6 का हम फैक्टर लिख लेते हैं। सो फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें बाय हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके कर लेंगे। एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सो पुट एक्स इक्वल टू 1 इन पी एक्स, एक्स 1 लेकर इस पी एक्स में पुट कर देंगे। इसे मान लेंगे कि ये हमारा पी ऑफ एक्स है। ठीक है, सो ये हो जाएगा पी 1 इक्वल टू 1 का, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 1 लिख लेंगे। सो 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यू माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 6। सॉल्व करने पे 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 इज 8 एंड ये माइनस 7 माइनस 1 हो गया माइनस 8, 8 माइनस 8 0। यानी जब हमने 1 लिया तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाता है 1 पे। सो 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो लिख लेंगे बिकॉज 1 इज अ 0 ऑफ पी एक्स, दियर फॉर एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये एक्स माइनस 1 कहाँ से आया समझ लेते हैं। एक्स हमने लिया है 1, अब इस 1 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस में 1 है, इधर आकर बन जाएगा माइनस का 1। सो एक्स माइनस 1 फैक्टर कहलाएगा पी ऑफ एक्स का, यानी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब आप जानते हो कि जब एक फैक्टर आ जाता है तो बचे हुए फैक्टर को पॉलिनोमियल में डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। सो जो हमारा पी ऑफ एक्स है उसमें एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यू, साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसल एंड यहाँ हो गया प्लस प्लस, यानी कि 1 प्लस 1 टू एक्स क्यू एंड ये माइनस 7x² आ गया। अब 2x³ में पहले x से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 2x², सो प्लस 2x². अब इस 2x² से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2x², साइन चेंज करेंगे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस प्लस माइनस, 7 से 2 को माइनस करना है, 7 माइनस 2 5, 7 बड़ा है जिसके साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन एंड x². नाउ माइनस x को यहाँ लिख दिया। अब माइनस 5x² में x से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा माइनस 5x, सो माइनस 5x क्वेश्चेंट में आ गया। अब इस माइनस 5x से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x² प्लस 5x, साइन अगेन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस माइनस, यानी कि नंबर को ऐड करना, माइनस का साइन लेना है, सो माइनस 5 प्लस यहाँ 1 है, सो 5 प्लस 1 6x एंड ये प्लस 6 को नीचे लिख दिया। अब माइनस 6x में पहले x से डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल, माइनस 6 बचेगा, सो माइनस 6। इस माइनस 6 से अब इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 6x प्लस में 6, साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, अब दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर में 0 आ गया। सो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये जो एक फैक्टर हमने निकाला था वो, एंड दूसरा ये क्वेश्चेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें 4 फैक्टर चाहिए, क्वेश्चेंट में क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है, सो फर्स्ट इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चेंट को मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 एंड इसे मान लिया कि ये हमारा qx है। ठीक है, नाउ बाई हीट एंड ट्रायल मेथड से x की जगह पे प्लस में 1 ले लिया मैंने, सो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख लेंगे, 1 का क्यू प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस में 6। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए कर ही लेते हैं, 1 प्लस 2 ये हो गया 3 माइनस माइनस, माइनस का साइन, 6 प्लस 5 11, 3 माइनस 11 ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, सो हम x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं, तो अब ले लेते हैं x की जगह पे माइनस में 1। सो ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस में 6। सॉल्व करने पे माइनस 1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 6, नाउ 5 प्लस 2 इज 7, माइनस 1 माइनस 6 इज माइनस 7, माइनस किया तो आ गया 0। दैट मीन्स ये माइनस 1 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 0 है। लिख लेंगे कि माइनस 1 इज अ 0 ऑफ क्यू एक्स, दियर फोर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। क्लियर, एक्स प्लस 1 कैसे आया अब आप समझ गए होंगे, x इक्वल टू हमने अभी माइनस 1 लिया, सो माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाता है x प्लस में 1, यही x प्लस 1 इसका फैक्टर कहलाएगा क्यू एक्स का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इसका अदर फैक्टर निकालने के लिए x प्लस 1 से जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्वेश्चेंट आया था उसे डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ मैंने कर दिया है,
एक्स प्लस वन को डिवाइड किया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स में। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो गया एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस फाइव एक्स आ गया। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे बच जाएगा एक्स, सो प्लस में एक्स। अब इस एक्स से इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज करेंगे सो माइनस माइनस यानी माइनस साइन कैरी करेंगे दोनों को ऐड, यहाँ वन है सो फाइव प्लस वन सिक्स, एक्स माइनस में ये सिक्स आ गया। एक्स से एक्स डिवाइड हो गया बच रहा है माइनस सिक्स, सो माइनस सिक्स लिख देंगे। अब इस माइनस सिक्स से एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, साइन चेंज करके दोनों कैंसिल हो गया इक्वल टू जीरो। नाउ क्यू ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन जो क्यू एक्स पे बाई हीट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर आया इसे एंड इस क्वेश्चन को, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब यहाँ पर इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे सो एक्स प्लस वन एज इट इज, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। इसमें मैंने ट्रिक बताया था आपको कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो अगर पहले प्लस है देन माइनस का साइन है तो वहाँ पर छोटे नंबर को माइनस में लगा देंगे, तो थ्री एंड टू में छोटा टू है सो इसको माइनस में रख लिया इसे प्लस में, ठीक है। नाउ एक्स प्लस वन एज इट इज, यहाँ कॉमन लेंगे एक्स एंड ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री। अब इस पार्ट में माइनस का साइन एंड कॉमन आ गया टू, ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस थ्री, ये एक्स टू से टू डिवाइड एक्स बच गया, टू से सिक्स डिवाइड किया सो थ्री एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। सो फैक्टर क्या क्या आ गया यहाँ पर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री इन दोनों में से एक कॉमन एंड तीसरा हो गया एक्स माइनस टू, सो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये तीन फैक्टर आ गए एंड एक फैक्टर हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिया था एक्स माइनस वन, सो ये सभी चारों मिलकर के जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स था उसका फैक्टर हो गया। देयर फोर पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स हमने जो हमारा पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है उसे माना था, सो पी ऑफ एक्स का हम फैक्टर लिखेंगे। तो ये पहले तो ये फैक्टर मैंने लिख दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हमने सॉल्व किया था, तीनों फैक्टर यहाँ आ गया एंड ये जो एक्स माइनस वन लिखा हमने स्टार्टिंग में जो एक्स माइनस वन फैक्टर निकाला था इसे, ठीक है। सो इस तरह से चारों ही फैक्टर हमारे हो गए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।